हैं, मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन पार्लियामेंट के स्पीकर एंथोनी रोटा अपने ओहदे से मुस्ताफी। रोटा का कहना था कि एक फर्द को पहचानने में अपनी गलती पर गहरे अफसोस का आदर करता हूं। ऐवान का काम हम में से किसी से भी बालातर है। ग्रॉसरी मालकान और कैनेडियन हुकूमत मिलकर खुराक की कीमतें कम कर सकते हैं। कैनेडियन वजीर सनत का कहना है कि मुल्क में महंगाई को कम करना चाहते हैं। ग्रॉसरी रहनुमाओं को हुकूमत के इकदाम की हिमायत करने की ज़रूरत है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप धोखाधड़ी में मुलविस करार। ट्रंप और उनकी कंपनी ने अपने असासों की मालियत बढ़ा चढ़ा कर पेश की थी। ट्रंप के वकला का दावा था कि साबिक सदर ने असासों की कीमत दुरुस्त बताई थी। इराक में शादी की तकरीब में आतिशजदगी, 113 अफराद जाबहक, दर्जनों अफराद जख्मी। आग आतिशबाजी के सामान से लगी थी। हादसे से मुतालिक मजीद तहकीकात जारी। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto immigration. Canada ke hukmaran jamaat liberals ke MP Anthony Rota ek sabek Ukraini fauji ko parliament mein madhu karne ke baad House of Commons ke speaker ke ohde se subukdosh ho rahe hain. Mazeed tafseelat is report mein. Canada ke hukmaran jamaat liberals ke MP Anthony Rota ek sabek Ukraini fauji ko parliament mein madhu karne ke baad House of Commons ke speaker ke ohde se subukdosh ho rahe hain. Waqiat ka ek dramai mood jiska har taraf se Arakine parliament khair maqdam karenge, jinhone kaha ke ye sharmnak waqia na qable maafi hai. Rota ka istifa budh ko ijlas ke din ke ikhtitam par nafazil amal hoga. Rota ne kaha hai ke maine aapke aajiz khadim ke taur par kaam kiya hai. Is ohde ki ahem zimmedariyon ko apni behtareen salahiyaton se nibhaya hai. Is aiwan ka kaam hum mein se kisi se bhi balatar hai, isliye mujhe aapke speaker ke ohde se istifa dena chahiye. मैं ऐवान में एक फर्द को पहचानने में अपनी गलती पर गहरे अफसोस का आदा करता हूं। रोटा ने कहा कि उसने एक साबिक नाजी फौजी को जो आवामी पहचान दी, इससे अफराद और कम्युनिटीज को तकलीफ पहुंची, जिनमें यहूदी लोग, पोल्स और नाजी मजालिम से बच जाने वाले दीगर अफराद शामिल हैं। रोटा के अलग होने के फैसले का मतलब है कि MPs को जल्द ही एक प्रिजाइडिंग अफसर का इंतखाब करने की ज़रूरत होगी ताकि कॉमन्स काम करना जारी रख सके। कनाडा के सनत के वजीर फ्रांसवा फिलिप शैम्पियन का कहना है कि ग्रोसरी के रहनुमाओं के लिए ये एक फ़ायदा है कि वो कनाडा की हुकूमत के साथ मिलकर खुराक की कीमतों को मुस्तहकम करने का रास्ता तलाश करें। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सनत के वजीर फ्रांसवा फिलिप शैम्पियन का कहना है कि ग्रोसरी के रहनुमाओं के लिए ये एक फ़ायदा है कि वो कनाडा की हुकूमत के साथ मिलकर खुराक की कीमतों को मुस्तहकम करने का रास्ता तलाश करें, क्योंकि वो इस हफ्ते उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मुल्क में ग्रोसरी की ऊंची कीमतों के मसले से निमटने के लिए गुज़िश्ता हफ्ते कनाडा की सबसे बड़ी ग्रोसरी चेन्स के CEOs के साथ उजलत में बुलाई गई मीटिंग के बाद शैम्पियन ने इस पीर को बैन अलाक्वामी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों और मंगल को मकामी मैन्युफैक्चरर्स से भी मुलाकात की। शैम्पियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गैर अमली इख्तियार करना कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे का बाइस बनने वाला निज़ाम पेचीदा और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उन्हें नीचे लाने की सलाहियत सिर्फ ग्रोसर्स तक नहीं है बल्कि मल्टीनेशनल तंजीमों के हाथ में भी है, जैसा कि इस हफ्ते उनसे मुलाकात हुई है।
इस मकसद के लिए शैम्पियन ने कहा कि उसने ग्रोसरी इंडस्ट्री के रहनुमाओं से कहा कि ये उनके फायदे के लिए है कि वो हुकूमत के साथ मिलकर फूड सप्लाई चेन के लिए टीम कनाडा का नुक्ता नजर तलाश करें जिससे कीमतें मुस्तहकम हो सकें। शैम्पियन ने मंगल को ऐसी कंपनियों के साथ 2 घंटे की मीटिंग के दौरान कहा, मैंने उन्हें बगैर किसी गैर यकीनी के अल्फाज में बताया कि कैनेडियन इस किस्म की मायूसी देख रहे हैं और उनके लिए मेरा पैगाम ये था कि कैनेडियन आपसे इस हल का हिस्सा बनने की तवक्को रखते हैं। शैम्पियन ने मजीद कहा, और मुझे ये कहना ज़रूरी है कि मैंने कैनेडियंस की तरफ से जो अपील की थी वो कमाई गई थी। मैं ये कहूँगा कि वो उस चैलेंज को तस्लीम करते हैं जो कैनेडियनों को दरपेश है। वो ये भी तस्लीम करते हैं कि उन्हें हुकूमत के इकदाम की हिमायत करने की ज़रूरत है और आखिर में वो इस हल का हिस्सा बनना चाहते हैं। शैम्पियन ने कहा कि वफाकी हुकूमत मुतालबा कर रही है कि ग्रोसरी कंपनियां थैंक्स गिविंग के जरिए कैनेडियंस के लिए खाने की कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए एक मंसूबा लेकर आएं। अमरीकी जज ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को धोखाधही में मुलविस करार दे दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी जज ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को धोखाधही में मुलविस करार दे दिया। अमरीकी जज का फैसला सुनाते हुए कहना था कि ट्रंप ये साबित ना कर सके कि उनकी एक प्रॉपर्टी का ख्वाहिशमंद खरीदार सऊदी अरब में मौजूद है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जज आर्थर एंगरान ने कहा कि साबिक अमरीकी सदर ट्रंप और उनकी कंपनी ने अपने असासों की मालियत बढ़ा चढ़ा कर पेश की थी। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटा जेम्स ने इल्ज़ाम लगाया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने असासों को 2.2 अरब डॉलर बढ़ा कर पेश किया था ताकि वो बेहतर बिजनेस डील कर सकें। उन्होंने कहा कि जिन प्रॉपर्टीज़ की मालियत बढ़ा चढ़ा कर पेश की गई उनमें मार एलागो पार्क एवेन्यू पर वाक़ इमारत, ट्रंप टावर में पेंट हाउस और वेस्ट चेस्टर काउंटी में एक स्टेट शामिल है। ट्रंप के वकला का दावा था कि साबिक सदर ने असासों की कीमत दुरुस्त बताई थी और ये वो मालियत है जो ट्रंप ने बतौर विजनरी रियल इस्टेट डेवलपर समझी थी। अदालत ने मुकदमा काबिल समाअत ना होने से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। साबिक सदर ट्रंप और उनके बिजनेस साथियों के खिलाफ केस पीठ से अदालत में शुरू होने का इम्कान है। इराक के सूबे नैनवा में क़यामत सुग़रा बरपा। शादी की तकरीब के दौरान हॉल में आतिशज़दगी से 113 से ज़ायद अफराद जा बहक, जबकि 150 से ज़ायद अफराद झुलस कर ज़ख्मी हो गए हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। इराक के सूबे नैनवा में क़यामत सुग़रा बरपा। शादी की तकरीब के दौरान हॉल में आतिशज़दगी से 113 से ज़ायद अफराद जा बहक, जबकि 150 से ज़ायद अफराद झुलस कर ज़ख्मी हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इराकी वजारत शहरी दिफा का कहना है कि हादसे की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग आतिशबाजी के सामान से लगी थी। कॉन्सर्ट हॉल में अलार्म और फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए हिफाजती तकाजों का भी फुकदान है। हादसे से मुतालिक मजीद तहकीकात जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इराकी शहर अलहमदानिया में शादी तकरीब के दौरान हॉल में आतिशजदगी के वक्त 1000 से ज्यादा अफराद तकरीब में शिरकत के लिए वहां मौजूद थे। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकामी डिप्टी गवर्नर ने हादसे में 113 अमवात की तस्दीक करते हुए कहा कि जाए हादसा पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, जबकि जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना किया जा रहा है। ताहम हादसे में अमवात बढ़ने का खदशा है। दूसरी जानब इराकी वजीर आजम मोहम्मद शिया अल सुदानी ने वजारत दाखिला वजारत सेहत को हिदायत की है कि वो आग से मुतासर अफराद को इमदाद फराहम करने के लिए चौकस रहें। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। News are precise and effective.